अमेजॉन के जंगल में हुई एक ऐसी डिस्कवरी जिसके मिलने के बाद वैज्ञानिकों का भी यही कहना था। मजा आया। जी हाँ, दरअसल ये बात है 2011 की, जब इंजीनियर्स की एक टीम ब्राजील के मदिरा नदी पर डैम बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तभी उन्हें बेहद ही अजीबोगरीब या कहें कि ऑकवर्ड से शेप में दिखने वाला ये जीव मिला। इसे देखने के बाद पहली नजर में जो भी आपके दिमाग में आया ये बिल्कुल उसी की तरह लगता है, इसीलिए इसे पीनिस स्नैक या मैन एनाकोंडा भी कहा जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस जीव की खोज सबसे पहले 1800 के आसपास हुई थी, लेकिन फिर अगले लगभग 200 सालों तक ये इंसानों की आंखों से ओझल हो गया था। इसे भले ही पीनिस स्नैक कहा जाता है, लेकिन ये सांप की तरह दिखने के बावजूद भी सांपों की प्रजाति में नहीं गिना जाता। ये वास्तव में सिसिलियन प्रजाति का जीव है, जो अपने समूह का एकमात्र ऐसा जीव है जिसमें सांस लेने के लिए लंग्स नहीं होते हैं। ये डायरेक्ट अपनी त्वचा से ही सांस लेते हैं। आपको बता दें कि इंजीनियर्स को इस प्रजाति के सिर्फ 6 ही जीव मिले थे, जिनमें से एक की मौत हो गई, 3 को वापस जंगल में छोड़ दिया गया और 2 के ऊपर रिसर्च करने के लिए लैब लाया गया था, जहां पर इन दोनों की भी मौत हो गई। ये जिस जगह पर मिले थे वहां उन्हें फिर से खोजा गया, लेकिन एक बार फिर ये अमेजन के विशाल जंगल में गायब हो गए।